गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ क्लास थर्ड मैथ्स। टुडे वी आर गोइंग टू सी चैप्टर नंबर 12, मेजरमेंट ऑफ वेट। टुडे वी विल सी वर्ड प्रॉब्लम, यानी वर्ड प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व किया जाता है ये आज हम लोग जानेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डोंट ट्राई द वर्ड प्रॉब्लम, दे अफ्रेड ऑफ सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम। तो आज हम लोग देखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करना है, क्या उसके इजी वे है। सबसे पहले हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चंस देखेंगे। अ पैकेट ऑफ स्वीट्स वे 2 kg 375 ग्राम, अनदर पैकेट वे 1 kg 950 ग्राम, हाउ मच डू दे वे टुगेदर। इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि दो मिठाई के डब्बे हैं और उनके दो वेट्स बताए गए हैं, ओके। और आपको बताना है कि दोनों मिठाई के पैकेट्स के कितने वजन होते हैं, यानी कुल वजन कितने होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू राइट द स्टेटमेंट। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ऑलरेडी स्टेटमेंट आपको दिया गया है, जस्ट यू हैव टू मॉडिफाई दैट स्टेटमेंट इन योर आंसर। सो लेट अस सी नाउ द स्टेटमेंट विल बी weight of sweets packet is 2 kg 375 gram, weight of another sweet packets that is 1 kg 950 gram। ये आपके दो स्टेटमेंट बनेंगे। By looking the question you will make these two statement, then total weight together, यानी दोनों packets के मिला के कितने weights होंगे। So I have regrouped kg and gram। kg में आप kg वाले numbers put down करेंगे और gram में ग्राम। सो 2 kg एंड 375 ग्राम प्लस 1 kg 950 ग्राम। सो हम एडिशन करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ, ओके। सो 5 + 0 = 5, 7 + 5 = 12, 1 कैरी हो जाएगा। सो 3 + 1 = 4, 4 + 9 दैट इज 13, 13 का 1 कैरी हो जाएगा नेक्स्ट नंबर पे, जैसे 2 + 1 = 3 और 3 + 1 = 4। सो द आंसर इज 4 kg 325 ग्राम। सो दिस इज द वे टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम बाय मेकिंग द स्टेटमेंट एंड अप्लाइंग द ऑपरेशन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू अप्लाई द ऑपरेशन बाय सॉल्विंग द वर्ड प्रॉब्लम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यो वी विल सी वन मोर क्वेश्चन। यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 9, रेनू वेट 30 kg 360 ग्राम, शी फेल इल एंड लॉस्ट 3 kg 485 ग्राम, व्हाट इज हर वेट नाउ। यानी इस क्वेश्चन में पूछा है कि रेनू का जो वेट था 30 kg 360 ग्राम, फिर वो बीमार पड़ गई, बीमारी में उसने 3 किलो 3 kg 485 ग्राम लूज किया, तो यानी अब उसका वेट कितना है। तो यहाँ हमारा ऑपरेशन होगा सब्ट्रैक्शन का। सो यहाँ हमें पता चल गया कि सब्ट्रैक्ट करना है, बट हाउ वी विल राइट द स्टेटमेंट। सो नाउ सी, सो पहला हमारा स्टेटमेंट होगा वेट ऑफ रेनू इक्वल 30 kg 360 ग्राम, लॉस ऑफ वेट इक्वल टू 3 kg 485 ग्राम। देन लास्ट स्टेटमेंट रेनू, वेट ऑफ रेनू आफ्टर इल, तो यहाँ हम लोग रीग्रुप करेंगे केजी और ग्राम में। यू कैन सी 30 kg 360 ग्राम एंड 3 kg 485 ग्राम। तो हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो जीरो में से 5 नहीं जाएगा, तो हम लोग 6 से कैरी करेंगे, वो 10 बन जाएगा, और 10 - 5 = 5। सेम वे 5 से भी नहीं जाएगा हमारा 8, तो हम लोग क्या करेंगे, कैरी करेंगे नेक्स्ट नंबर से, तो 5 जो है 15 बन जाएगा। सो 15 में से 8 जाएगा तो 3, एंड 3 जो था वो 2 बन गया था, तो हमने कैरी किया 0 से जो 10 बन गया, और 10 के बाद वो 9 हो गया। सो 12 - 4 = 8, फिर 9 - 3 = 6, एंड आफ्टर गिविंग दैट नंबर 3 becomes 2, so 2 will be your answer, because below the 2 there is no number, so 2
2 will come down. So the answer is 26 kg 835 gram. So dear student, I hope you all are much confident about how to write the statement. Okay, so thank you for watching the video. Have a nice day.